नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप सभी को न्यूज वन इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार होली, जिसके आते ही सभी के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिलती है। साथ ही यह त्यौहार भारत वर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। होली के पूर्व संध्या में ही होलिका दहन की जाती है। क्यों होती है होली से पहले होलिका दहन, इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्यों मनाते हैं होली से पहले होलिका दहन? क्या है होलिका दहन की कहानी? विष्णु ने किया दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का संहार। वर्षों पुरानी कहानी का क्या है सच? होली 2 दिनों का वार्षिक त्यौहार है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन किया जाता है तो दूसरे दिन रंगों से खेलते हैं। होलिका दहन की शाम को लकड़ियों की ढेर जलाए जाते हैं तो वही अगले दिन रंगों से खेला जाता है। इन दोनों ही दिनों के पीछे पौराणिक कथाएं हैं, जिसके चलते होली का त्यौहार मनाने की शुरुआत हुई थी। होली हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जिसमें पहला दिन होलिका दहन का होगा और दूसरे दिन होली खेली जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम से एक राजा था, जिसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप घोर विष्णु विरोधी था, तो वहीं उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था और इसके चलते अपने पिता की आंखों को जरा भी नहीं सुहाता था। हिरण्यकश्यप ऐसा राजा था जिसे अनेक वरदान प्राप्त थे और कोई भी उसे रात या दिन ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना कोई मनुष्य ना कोई राक्षस, ना जीव जंतु और ना ही कोई देवी देवता मार सकते थे। इसी के चलते वह अहंकारी हो गया था। प्रहलाद के विष्णु भक्त होने के चलते हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक प्रयास किया कि वे प्रहलाद की जान ले ले। हालांकि भगवान विष्णु हर बार ही प्रहलाद की जान बचा लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की जान लेने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे छू भी नहीं सकती। यानी जब होलिका प्रहलाद को आग से जलती लकड़ियों के ढेर में लेकर बैठेगी तो प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका बच जाएगी। परंतु भगवान विष्णु की कृपा ऐसी थी कि प्रहलाद को आग छू भी नहीं पाई। आग में प्रहलाद को लेकर बैठी होलिका राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है और इसी के चलते प्रति वर्ष होलिका दहन किया जाता है। हालांकि इसके बाद हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भी भर गया और भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है कामदेव की कथा। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव के किए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया तो वे पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनः जन्म हुआ। वो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने उनकी भावनाओं को अनदेखा किया। देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्होंने बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया, ताकि वे पार्वती से शादी करने के लिए राजी हो जाए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपने ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपनी कामबाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए।
और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया। लेकिन साथ ही व्यवहार में आए अचानक बदलाव से वे हैरान थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाएं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह वास्तव में यह कामदेव ने ही किया है। अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर के मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर नाम का एक राक्षस उन्हें समुद्र में फेंक देगा। वो उन राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक शहर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। होली से पहले होलिका दहन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये थी होलिका दहन क्यों की जाती है इसके पीछे की कहानी। फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से होलिका दहन और साथ ही होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।